जेएनयू में हुई हिंसा के विरोध में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर प्रदर्शन के दौरान फ्री कश्मीर पोस्टर लहराने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां फ्री कश्मीर पोस्टर लहराने वाली लड़की एफआईआर दर्ज होने के बाद से गुमशुदा है, वहीं दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी तेज हो रही है। तो आखिरकार क्या है पूरा विवाद, कौन है वो लड़की जिसने फ्री कश्मीर के पोस्टर लहराए और क्यों हो रही है इस पर राजनीति? रविवार 5 जनवरी को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दो छात्र गुटों में झड़प हुई। इस झड़प की खबर आग की तरह पूरे देश भर में फैल गई। जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर भी इस हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। रात 12 बजे से ही छात्र गेटवे ऑफ इंडिया पर जमा होने लगे। सोमवार सुबह तक यह संख्या सैकड़ों तक पहुँच गई। सैकड़ों लोग गेटवे ऑफ इंडिया पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस विरोध प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ साथ ही साथ आजादी आजादी के नारे लगाए गए। दिन भर कई नेताओं और सेलिब्रिटीज का आना जाना लगा रहा। एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड, शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार, टीवी एक्टर सुशांत सिंह, इनके साथ साथ कई क्षेत्रीय स्थानीय नेता भी गेटवे ऑफ इंडिया पर पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराते रहे। लेकिन शाम को एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से सभी का ध्यान बट गया और ध्यान फ्री कश्मीर नाम के एक पोस्टर पर चला गया। एक लड़की ने करीब 7:30 बजे एक पोस्टर उठाया जिस पर लिखा था फ्री कश्मीर। तो आखिरकार इस लड़की का तात्पर्य क्या था, उसने फ्री कश्मीर का पोस्टर क्यों उठाया और वो कहना क्या चाहती थी? तो सवाल यह सामने आया कि फ्री कश्मीर पोस्टर लहराने वाली ये लड़की कौन है और आखिरकार इसकी मंशा क्या है, क्यों उसने गेटवे ऑफ इंडिया पर फ्री कश्मीर का पोस्टर लहराया? यह लड़की है महक मिर्जा प्रभु। यह मुंबई की रहने वाली है। मूल रूप से यह महाराष्ट्र के रत्नागिरी इलाके से आती है। महक मिर्जा यह एक स्टोरी टेलर है जो कि सामाजिक मुद्दों और कहानियों को लिखती है। इसके कहानियों का मूल केंद्र कश्मीर या कश्मीर से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। स्टोरी टेलर के माध्यम से यह अपनी बातें लोगों तक पहुंचाती है। सोशल मीडिया पर महक मिर्जा प्रभु काफी सक्रिय रहती है। इस लड़की ने जैसे ही गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर फ्री कश्मीर का पोस्टर लहराया, सभी की निगाहों में वो पोस्टर आ गया। मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, सभी के माध्यम से यह फ्री कश्मीर का पोस्टर वायरल हो गया और फिर लोग सवाल उठाने लगे कि जब जेएनयू में हुई हिंसा का विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो उसमें फ्री कश्मीर पोस्टर क्यों, और आखिरकार यह लड़की फ्री कश्मीर का ही पोस्टर क्यों लहरा रही है। दूसरे दिन विवाद और बढ़ गया क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करते हुए कहा कि जेएनयू में हुई हिंसा के विरोध में गेटवे ऑफ इंडिया पर प्रदर्शन हो रहा है, उसमें फ्री कश्मीर पोस्टर क्यों लहराया जा रहा है, क्या यह आजादी, कश्मीर की आजादी का जो पोस्टर है ये उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को मान्य है? उनके दफ्तर से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पर यह पोस्टर लहराया गया है। विवाद ने तूल पकड़ लिया, राजनीति होने लगी, पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रिया आने लगी, जहां पर विरोधियों ने मुद्दा उठाया कि ये कश्मीर के मामले में जिस प्रकार से कश्मीर में बैनर और पोस्टर लहराए जाते हैं उसी प्रकार से लहराया गया है। वहीं कई नेता यह तर्क देने लगे कि जिस प्रकार से कश्मीर में इंटरनेट बंद है या फिर कई जगहों पर लॉकडाउन है उसके विरोध में यह पोस्टर उठाया गया है और उसकी आज़ादी की बात की जा रही है। देखते देखते वो लड़की भी सामने आ गई और उसने अपनी प्रतिक्रिया दी। महक मिर्जा ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी और उसमें उसने कहा कि उसका मकसद था जो कश्मीर में लोग रह रहे हैं, जिन्हें इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जो एरिया लॉकडाउन है, उनकी आज़ादी की वो बात कर रही थी। इस मकसद से उसने पहले से पड़े हुए पोस्टर को उठाया और वहां पर लहराया। लेकिन मुंबई पुलिस ने इसका संज्ञान लिया। मुंबई पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए मुंबई के कोलाबा पुलिस थाने ने महक मिर्जा प्रभु के खिलाफ आईपीसी की धारा 153B के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया। आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद महक मिर्जा प्रभु की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। महक मिर्जा प्रभु के लहराए हुए फ्री कश्मीर पोस्टर पर अब राजनीति भी जमकर हो रही है, वहीं पाकिस्तान भी अपनी रोटी सेकना चाहता है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में राजनीति हो रही है, बीजेपी इसके विरोध में है, वहीं सत्ताधारी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का कहना है कि सरकार सबसे पहले इस केस की समीक्षा करेगी, जांच करेगी कि क्या वाकई लड़की की यह मंशा थी जिसकी वजह से फ्री कश्मीर का मुद्दा हाईलाइट हो, इसकी मंशा की जांच की जाएगी और यह पोस्टर कहां से आया इसकी जांच होगी, उसके बाद इस केस पर आगे बढ़ा जाएगा। वहीं बीजेपी इसके विरोध में है। इतना ही नहीं,
पाकिस्तान ने भी इसमें एंट्री कर ली है। पाकिस्तान के आर्मी प्रवक्ता ने इस फोटो को ट्वीट करते हुए कहा है कि यह भारत के पतन की शुरुआत है, यानी कि राजनीति जमकर हो रही है। लेकिन लड़की ने अपना पक्ष रखने के बाद दूसरी कोई नई बात नहीं की है। एक तरफ सरकार कहती है कि वो इस पर समीक्षा करेगी, समीक्षा करने के बाद फैसला लेगी, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस पर आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या इस पर राजनीति होती रहती है या फिर यह मामला ठंडे बस्ते में जाता है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।